ये है ब्रदर का इंक टैंक प्रिंटर जो कि वायरलेस प्रिंटर है। ये होम और ऑफिस यूज दोनों के लिए बेस्ट प्रिंटर है। आज हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये है ब्रदर का T510W प्रिंटर, आज इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये एक इंकजेट प्रिंटर है इन बिल्ट वाईफाई के साथ। ये हमारा प्रिंटर, इसमें ये कुछ यूजर मैनुअल्स और ये है इसकी पावर कोड्स और यूएसबी कोड्स और ये इसकी कुछ इंक बोतल। ये प्रिंटर बहुत ये इसमें इसकी यूजर मैनुअल और ये है इसकी ड्राइवर की सीडी और ये इसका पेपर पिकअप रोलर क्लीन करने का टूल। जब पेपर जमाने की दिक्कत आती है तो इस टूल को यूज करके इसको दूर किया जाता है प्रॉब्लम को। ये इसका वारंटी कार्ड, ये इसके इंस्टॉलेशन गाइड, प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करना है फर्स्ट टाइम, कैसे इंक डालनी है, ये इसकी गाइड है। तो हम शुरू करते हैं इंस्टॉल करना। ये हमारा प्रिंटर, इस प्रिंटर को ऑपरेट करना बहुत इजी है। इसके जो बटन्स है बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे प्रिंटर की ट्रे है। इस ट्रे के अंदर एक बार में लगभग 150 पेपर लोड कर सकते हैं। ये जो पीछे जो दे रखा है ये मैनुअल पेपर फीडर है। ये बजट जो प्रिंटर आते हैं इंकजेट, इसमें सबसे ये मैनुअल पेपर फीडर है। ये जब पेपर जाम हो जाता है तो यहाँ से पेपर निकाला जाता है कभी जब पेपर जाम हो जाता है। और ये हमारा इसका स्कैनर, ये A4 स्कैनर है। अब हम लगाएंगे इसकी USB कोड जस्ट स्कैनर के नीचे लगती है और ये अंदर से लग के उधर साइड से बाहर निकल जाएगी, जो कि बहुत सेफ होती है, कनेक्टिविटी बहुत सेफ होती है। ये हमारा टैंक है और अब इसमें हम इंक रिफिल करते हैं। इंक फिल हो जाने के बाद ये फर्स्ट बोर्ड के लिए रेडी हो जाएगा प्रिंटर। इस प्रिंटर में इंक पहले भी डाल सकते हैं और बाद में डाल सकते हैं। प्रिंटर में इंक फिल हो चुकी है, अब इसकी डेट एंड टाइम सेट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब प्रिंटर में इंक फिल होती है तो ये इंक हेड तक पहुंचने में लगभग 8 से 10 मिनट लगते हैं, तो इस प्रोसेस को पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम डेट एंड टाइम सेट करते हैं फिर ये इसकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। फिलिंग टैंक अपन ने फिल कर दिया है तो डिड यू फिल, यस यस, इन सारे चारों कलर को यस करते जाएंगे और प्रिंटर आगे बढ़ता जाएगा। अब ये प्रिंटर प्रिपेयर हो रहा है, ये अप्रोक्सली 8 मिनट बता रहा है। तो ये 8 मिनट के अंदर प्रिंटर तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस में ये इंक टैंक से होती हुई ये हेड तक पहुंचती है।
अभी हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है। अब हम इस ट्रे में पेपर लोड करते हैं। इस ट्रे को पेपर के साइज के अकॉर्डिंग सेट किया जा सकता है। अभी हम इसको A4 साइज पे सेट कर रहे हैं। ये A4 पेपर है। प्रिंटर ओके टू प्रिंट। अब हम वाइट बटन दबाएंगे। ये मोनो फोटो कॉपी के लिए होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी के लिए। तो अब इसकी हम एक कॉपी निकाल के देखते हैं। ये हमारा टेस्ट पेज है। प्रिंटर ठीक से इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ यहाँ से पता पड़ जाता है। इसमें चारों इंक के नोजल बिल्कुल करेक्टली प्रिंट दिखा रहा है, सारे डॉट आ रहे हैं, इट मींस प्रिंटर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसकी एक फ़ोटो कॉपी निकालते हैं। जो वाइट बटन होता है ये मोनो फोटो कॉपी के लिए होता है, और अब इसमें मोनो फोटो कॉपी जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी होती है वो निकाल रहे हैं। ये इसकी मोनो फोटो कॉपी, बहुत क्लीन कॉपी होती है। इस प्रिंटर से फॉन्ट एकदम क्लियर प्रिंट होता है। अब हम निकाल रहे हैं इसकी एक कलर कॉपी। जो कलर कॉपी है थोड़ा सा टाइम लेती है, बट ये बहुत अच्छी प्रिंट होती है। अब देख सकते हो कलर प्रिंट हो चुका है। अब इसे कंपेयर करते हैं। जो ओरिजिनल कॉपी है ये ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट हो रखा है, और ये जो पेपर है ये प्लेन पेपर है, जो बेसिकली प्लेन पेपर होता है फोटोकॉपी के लिए A4। तो क्वालिटी सेम है, बट ये पेपर थोड़ा रफ है, प्लेन पेपर, तो डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब हम इसमें एक फ़ोटो निकाल के देखते हैं इसकी फ़ोटो की क्वालिटी कैसी है। आप देख सकते हो इसकी फ़ोटो की क्वालिटी एक लैब की क्वालिटी के बराबर क्वालिटी आ रही है। तो इसमें जो कलर टोन है एकदम परफेक्ट, जो प्रिंट दिखता है वो का वही प्रिंट होता है। तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये है एक वाईफाई प्रिंटर। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हाउ टू यूज और हाउ टू इंस्टॉल इस प्रिंटर के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।